मित्रों, ब्लैक पैंथर मूवी के इस डायलॉग को सुनिए जो भारत के लोगों का सर चकराने में मजबूर कर दिया था। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज बाकू, ग्लोरी टू हनुमान। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिर एक अफ्रीकन भगवान हनुमान जी के गुण क्यों गा रहा है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। जब स्वामी कृष्णानंद जी ने इथियोपियन किंग हैली सेलेसी को रामायण गिफ्ट की तो उन्होंने कहा कि वे रामायण ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों वे खुद एक कुशाइट है। यह तक की भगवान पुराण में अफ्रीका को कुछ द्वीप और अफ्रीकियों को कुशाइट्स बताया गया है। मित्रों, यानी कि हमारे प्रभु श्री राम और उनके प्रभु हम के बेटे कुश के वंशज आफ्रो अमेरिकन हिस्टोरियन डीडी ह्यूस्टन की किताब में भी इसका वर्णन मौजूद है, और इसके साथ साथ स्वाहिली और हमारी संस्कृत भाषा में भी काफी संबंध है। इसके अलावा सिम्हा बन गया सिम्हा, द्वारिशलम बन गया द्वारिशीलम, और दोनों ही धर्म में प्रकृति की पूजा करते हैं। मित्रों, और यहाँ तक कि उनकी देवी मामीवाटा ओगुन और इसी से हमारे भगवान शिव कार्तिकेय और माता काली से मिलते जुलते हैं। मित्रों, इसके अलावा ब्लैक पैंथर मूवी द्वारा हमारे भगवान हनुमान जी की स्तुति करने का कुछ और भी कारण है। भगवान हनुमान जी शक्ति और ताकत के प्रमाण है जिसके पैंथर सम्मान करते हैं। दूसरा, हनुमान जी निष्ठा और भक्ति के प्रतीक है जिसका पैंथर प्रशंसा करता है। और अंततः हनुमान जी साहस और निडरता के प्रतीक है जिसका पैंथर आकांक्षा करता है। यानी कि पैंथर हनुमान जी को एकादेश और आदर करने योग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और इसलिए इस प्रकार हनुमान जी की महिमा कहकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे सनातनी मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे और अमेजिंग सनातन धर्म की जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे मित्रों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।